इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अपस्टॉक्स ने। अपस्टॉक्स एक नामचीन रतन टाटा फंडेड डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्म है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूं प्रसाद विपाठक, आपकी तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, और आज मैं आपको इलेक्ट्रिक हेयर स्ट्रेटनिंग कोम्ब इस्तेमाल करके बताने वाला हूं। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से 550 रुपये का खरीदा है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमेशा की तरह मिल जाएगी। पर रुकिए, पहले देख लीजिए कि क्या ये प्रोडक्ट सच में काम का है या नहीं, और फिर सोचिए खरीदने के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इस्तेमाल करके सीधा आपको बताने वाला हूं। तो ये आप आपकी बियर्ड और हेयर, हेड हेयर दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं करीब करीब इसे एक हफ्ते से इस्तेमाल कर रहा हूं। एक चेतावनी यहां पे दे दूं आपको, किसी भी तरह का हीटिंग इक्विपमेंट आपके बालों पे लगाने से पहले बाल कंप्लीटली ड्राई होने चाहिए। बालों में अगर थोड़ा भी पानी है तो हीट के कारण पानी बॉइल होता है। कॉमन सेंस, ठीक है, याद रखिए। उसके अलावा समझिए आपके बाल बहुत ही सिल्की है तो आप हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर लगा के रखिए और उसके बाद स्ट्रेटनिंग कोई भी इक्विपमेंट, ये नहीं कह रहा कि ये वाला, कोई भी हीटिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करें उसके बाद। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। एक सिंगल बटन मिलता है आपको यहाँ पर जो कि ऑन ऑफ बटन है। तो इस तरीके से अभी मैंने इसे ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद कुछ देर आपको रुकना होगा क्योंकि ये थोड़ा समय लेता है गर्म होने में। और अंदर आप देख सकते हो लाल कलर का जो सरफेस है वो हीटिंग सरफेस है, यानी कि सीधा आप कोम कर सकते हैं और बाल स्ट्रेटन होने चाहिए। लेट्स सी। ऑन करने के बाद करीब करीब 5 मिनट आपको रुकना पड़ता है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से टच कर सकते हैं। डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि अंदर जो रेड कलर का सरफेस है, हीटिंग सरफेस, उस पर आपकी स्किन टच नहीं होती, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैंने दाढ़ी जो है वो बिल्कुल भी कोम्ब नहीं की है, तो इस तरीके से नीचे जाने से पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि उल्टा ऐसे कोम करना शुरू करूँ। तो मैं हीट फील कर रहा हूँ अभी फिलहाल। आमतौर पे समय अगर आपको बचाना होगा तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप सोचेंगे, पर एक बात बता दूं, दाढ़ी बनाने में समय कम लगना दूर, यह आपका ज्यादा समय खा सकता है, तो इस चीज का ध्यान रहे। अब इस तरीके से करने के बाद मैं उल्टी दिशा में कोम घुमा लेता हूं। ओके, तो दाढ़ी पे मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा आपको। आप अगर कंपेयर करें जो आपका नॉर्मल कोम्ब होता है, ऐसा ये जो राउंड कोम्ब होता है इसे इस्तेमाल करके जो आपको रिजल्ट मिलता है, या फिर जो बियर्ड कोम्ब होता है इस तरीके का, उसे इस्तेमाल करके जो रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट मिला है। ऐसा कुछ अनोखा रिजल्ट मुझे बिल्कुल नहीं मिला जिससे कि मेरी दाढ़ी एकदम ही स्ट्रेट हो गई हो, बिल्कुल नहीं। तो 550 रुपये इसके लिए डालना, वो भी दाढ़ी के लिए, तो मैं बिल्कुल बहुत नहीं समझता। अब ट्राई करते हैं इस ब्रश को सर के बालों पे। तो अभी तो ये बहुत ही अच्छी खासी तरीके से गर्म हो चुका है। अभी मेरे सर के बाल, ये वाले खासतौर पे अगर आप देखें तो देखिए पूरी तरीके से ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, तो इन्हें कोम करना ट्राई करेंगे हम। लेट्स सी कितने हद तक ये काम करता है ब्रश। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो मुझे नहीं लग रहा। नॉर्मल सी कंघी लेके भी अगर मैं कंघी करता तो सेम ही रिजल्ट मिलता। हालांकि बाल काफ़ी गर्म हो चुके हैं पर ये स्ट्रेटन बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आप देख सकते हो जो कर्व हैं वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। सर के बालों पे तो ये बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा। आप बताइए कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको? और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, काफ़ी समय आपको देना पड़ेगा और बाल थोड़े बहुत गर्म तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। तो आपने अगर हेयर स्ट्रेटनिंग आयन इस्तेमाल की हो तो उसका जो रिज़ल्ट आता है उसको बिल्कुल भी आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। ये अगर आपको ख़रीदना है, अगर पैसे डालने ही हैं, तो दाढ़ी के लिए थोड़ा सही लगा मुझे, मतलब उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं। अभी जैसे मेरी दाढ़ी काफ़ी घुंघराली है तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पर अगर आपकी डेंसिटी ज़्यादा है और जो बालों का टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ एंड स्ट्रेट दाढ़ी अगर आपकी ऑलरेडी आती है तो उसे ग्रूम करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर घुंघराली दाढ़ी को स्ट्रेट करने के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बना है। इसकी डिज़ाइन कुछ हद तक ठीक है पर इसका जो मैकेनिज्म है वो सबसे बड़ा फेलियर है। मैकेनिज्म जब मैं कहता हूँ तो अंदर आपको जो लाल कलर का पोर्शन दिख रहा है ये वो सरफेस है जो हीट होता है।
अगर यहाँ पे कोई बटन प्रोवाइड किया होता जिससे कि जो हीटिंग सरफेस है और जो ब्लैक कलर के कोम्ब के दांत हैं वो अगर वो बटन प्रेस करके चिपक जाते, पास में आते, तो ये कुछ हद तक काम कर पाता। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो दांत हैं वो स्ट्रेट है, बिल्कुल भी स्ट्रेट है, और उसके बीच से आपके बाल गुजर जाते हैं, तो उसके कारण उतनी ज़्यादा स्ट्रेटनिंग आपको नहीं मिलने वाली बालों पर। जैसे मैंने कहा, अगर वो दांत चिपकते आपस में और फिर बालों को खींचा जाता तो कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट आता था। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट में पैसे डालिए, पर फिर भी अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मैं प्रसाद वेदपाठक आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो में। टिल देन डू रिमेंबर टू सर्व बिफोर यू स्वाइप, एंड इफ यू डोंट नीड यू डोंट बाय। बाय बाय। योर इंडियन कंज्यूमर। देखिए, मेरे 550 रुपये वेस्ट हो गए थे, आपके बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो इसे ज़रूर शेयर करिए, वरना लोग ऐसी मार्केटिंग गिमिक्स में अपने पैसे बर्बाद करते रहेंगे। तो लोगों के पैसे बचाइए।